नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर धीरज कुमार है और मैं डर्मावेव स्किन लेजर एंड हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर पे एज ए कंसल्टेंट ऑर्थोलॉजिस्ट कार्यरत हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, विश्व में कोरोना के कारण कंप्लीट लॉकडाउन है और उम्मीद है आप इसका पालन भी कर रहे होंगे। लेकिन यह वीडियो कोरोना के लिए नहीं है। आज हम एक बहुत ही कॉमन स्किन कंडीशन टीनिया के बारे में बात करेंगे, जिसे आमतौर पर लोग दाद दिनाए या फिर रिंग बॉम भी कहते हैं। यह मोस्टली पसीने वाले जगहों पे होता है और बहुत ज़्यादा इचिंग होती है इसमें। एक आंकड़े के अनुसार विश्व के लगभग 20-25% की जनता इससे प्रभावित है, बट भारत में इसका आंकड़ा थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि हमारा देश हॉट एंड ह्यूमिड देश है और यहाँ ओवर क्राउडिंग की समस्या है, पुअर हाइजीन है, लोगों में कपड़ों को शेयर करने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा है, लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते, प्रॉपर डॉक्टर से एडवाइस नहीं लेते, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। हमारे देश में आमतौर पे जो लोग हैं वो दिना या खाज या खुजली होने पे सबसे पहले केमिस्ट के पास जाते हैं, जहाँ वो ओवर द काउंटर उनको स्टेरॉइड क्रीम मिल जाती है, जिसके कारण इचिंग वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बट वो कुछ समय के लिए होता है, आमतौर पे जब हम वो क्रीम बंद करते हैं या उसके पहले ही उस क्रीम के साइड इफेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। टीनिया जो है क्लिनिकली डायग्नोसिस में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सामने देख के पता चल जाता है कि वो टीनिया है। बट ओवर द काउंटर जो स्टेरॉइड प्रिपरेशन वाले क्रीम्स होते हैं उसके यूज़ के बाद इसके जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, या आपको पस्टुलर लीजन की तरह भी दिखेगा, या आपको एक्जिमा की तरह भी दिखता है, या आपको रोलेशिया की तरह भी दिखता है। तो क्लिनिकली यह बहुत डिफरेंट वेराइटीज में प्रजेंट करता है, जिसको हम लोग टीनिया इनकॉग्निटो कहते हैं, या फिर डिपेंड करता है कि जो मॉर्फोलॉजी में ये प्रेजेंट करता है। आमतौर पे इसका ट्रीटमेंट का एक कोर्स है, एक गाइडलाइन है जो नॉर्मली 2-6 हफ्ते का होता है। हाँ, नेल के इन्फेक्शन में यह कोर्स ज़्यादा समय के लिए होता है, बट स्किन के केसेस में यह 2-6 हफ्ते में इसका क्योर हो जाता है। बट आजकल चूँकि हम लोग पहले ही बहुत सारे ट्रीटमेंट ले चुके होते हैं, ओवर द काउंटर जो दवाइयाँ हैं उसको यूज़ कर चुके होते हैं, घरेलू नुस्खे यूज़ कर चुके होते हैं, जिसके कारण ये बीमारी की दवाई लंबे समय तक देनी होती है। आमतौर पे हम लगाने और खाने की दवाइयाँ साथ में देते हैं। सिस्टमिक दवाइयों में टर्गनाफिन है, एट्राकोनाजोल है, क्रिसोफलमिन है, फ्लुकोनाजोल है जो आजकल यूज होता है। कुछ स्टडीज में देखा गया है कि टर्गनाफिन से रेसिस्टेंस आ चुका है इस कंडीशन में, तो आजकल एट्राकोनाजोल, क्रिसोफलमिन मोस्टली प्रेफर करते हैं लोग। डिपेंड करता है उनके क्लिनिकल एक्सपीरियंस पर। और कुछ लगाने वाली क्रीम्स हैं जैसे टर्गनाफिन है, ललिकोनाजोल है, इटाकोनाजोल है, तो इन तरह के क्रीमों कुछ कुछ जो लिमिटेड डिजीज होते हैं, जहाँ 1-2 लीजन्स हैं, जहाँ ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुआ बीमारी, वहाँ पे सिर्फ क्रीम ही कारगर साबित हो जाती है। बाकी और केसेस में हम क्रीम्स और लगाने वाली दवाई प्लस खाने वाली दवाई साथ में देते हैं। इसके अलावा कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हमें करने चाहिए, जैसे कि कपड़े को सूखा और साफ रखें, अपने कपड़े दूसरों से शेयर ना करें, अननेसेसरी चीज़ें ना पहने, लाइक हेयर बैंड, हैंड बैंड, रिंग्स, क्योंकि यहाँ पे पानी का जमाव होता है जो उन चीज़ों को जो इन्फेक्शन को बढ़ाता है। कपड़े को उल्टे करके इस्त्री करें, और अगर आप ओवेज हैं या अगर आपको कोई और डिजीज है लाइक डायबिटीज़ है तो उसको कंट्रोल करें। ओबेसिटी तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है इसमें, बिकॉज हमारा जो स्किन फोल्ड्स हैं उसमें वो फंगस रह जाता है। इस केसेस में उनको वेट लूज करना चाहिए ताकि इन्फेक्शन के जो सोर्स है वो ख़त्म हो जाए। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के या बिना डॉक्टर के एडवाइस के ना तो दवाई स्टार्ट करें और ना ही दवाई बंद करें। डॉक्टर्स को दिखा लें, डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट लें और उनकी सलाह पे ही दवाई को कम ज़्यादा या बंद करें। जब तक दवा डॉक्टर ना बोले कि दवाई आपका कोर्स कम्प्लीट हो गया, दवाई खाते रहें या लगाते रहें। आमतौर पे खाने वाली दवाइयों के बाद लगाने वाली दवाई दी जाती है। लगाने वाली दवाई
आप 2 वीक एक्स्ट्रा आप कर सकते हैं। और लगाने का तरीका भी ऐसा होना चाहिए कि जो लीजन है उसके 2 सेंटीमीटर के आगे तक, बॉर्डर के आगे तक आप लगाएं, मतलब जितना बड़ा एरिया है उससे 2 सेंटीमीटर आगे तक की परिधि को आप कवर करें। क्रीम बहुत कम मात्रा में लगाएं, ऐसा नहीं क्रीम ज़्यादा लगाओगे तो जल्दी आराम होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे मॉइस्चराइजर लगाते हैं आप, जस्ट लाइक मॉइस्चराइजर आप लगाएं। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से थोड़ा फ़ायदा हुआ होगा, और अगर आपको विशेष जानकारी चाहिए तो आपके नज़दीकी जो भी स्किन स्पेशलिस्ट हैं उनसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप मुझसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन पे भी कर सकते हैं और मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 8950505224 और ईमेल आईडी है brbhiraj.mgims@gmail.com। धन्यवाद।